सर दिल्ली के दरबार से नॉर्मैलिसी बोलना और कश्मीर में जाकर के उस नॉर्मैलिसी को महसूस करना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है सर। महीनों से वहां बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है सरकारी जमीन से अतिक्रमण हट रहा है, लेकिन सर लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं बिना नोटिस के। सर 370 का जिक्र आया, 370 के जिक्र को मैं धन्यवाद सभापति महोदय, 370 के जिक्र को मैं थोड़ा चाहता हूं कि एक व्यापक कैनवास पे लें। आजकल ऑथेंटिकेशन की बहुत बात होती है सर, मैं पूरी की पूरी किताब लेके आया हूं। कश्मीर आफ्टर 370 अनुराधा भसीन जी ने लिखी है, कश्मीर टाइम्स की एडिटर रही है सर। लगातार खबरें आ रही हैं, आप कहते हैं कि नॉर्मैलिसी है सर, दिल्ली के दरबार से नॉर्मैलिसी बोलना और कश्मीर में जाकर के उस नॉर्मैलिसी को महसूस करना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है सर। महीनों से वहां बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है सरकारी जमीन से अतिक्रमण हट रहा है, लेकिन सर लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं बिना नोटिस के। मैं बार बार कहता हूं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से, सर कश्मीर को जमीन का टुकड़ा ना समझा जाए, जिंदा लोग बसते हैं, जब तक कश्मीरियों का दिल नहीं जीतोगे कश्मीर का दिल कभी नहीं जीत पाओगे, चाहे आप लाख कोशिश कर ले। सर इतिहास बोध 2014 से नहीं होगा, फिर क्या कहेंगे 47 में, हम पहली आजादी की वर्षगांठ हमने 48 में मनाई थी सर, तब तक बापू को खो चुके थे। हाँ आज 75वें वर्ष में इस तथाकथित अमृतकाल में मैं ये देख रहा हूं कि गांधी की हत्या करने वालों का महिमा मंडन हो जाता है, ये भी है, ये है। इसके लिए 2014 चिंता का विषय था और कोई नहीं, प्रधानमंत्री डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुए, कौन विरोध करेगा, लेकिन डेमोक्रेसी में कई एनोमलीज आ रही हैं, विसंगतियां आ रही हैं, उनका जिक्र ना करूं तो पार्लियामेंट फिर किस बात की सर। कल ऑथेंटिकेशन की बहुत बात होती है।